राधा रानी। मुझे 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 दो मुझे दो। ये लो राधा रानी। कान्हा, मामा कंस के सैनिक अवश्य कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। दाऊ, इन्हें ज्ञात ही नहीं कि ये जो भी योजना बनाएंगे वो सफल नहीं होगी, क्योंकि इनका खेल आरंभ होने से पूर्व ही मैं अपना दाव खेल चुका हूँ। कैसा दाव कान्हा? ऐसा दाव जिसमें वृंदावन वासियों पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। कान्हा, मुझे स्पष्ट बताओ कि तुम क्या खेल खेलने की सोच रहे हो और मामा जी कौन सा खेल खेल रहे हैं? मामा जी मुझे यमुना नदी के भीतर उस कालिया तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। किंतु जैसा तुमने कहा, उनका ये खेल असफल होने वाला है, अर्थात तुम तो नदी में जाओगे ही नहीं। नहीं दाऊ, मैं तो जाऊंगा। क्या? हाँ, परंतु उनकी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें उस विषैले जल में जाने नहीं दे सकता। परंतु क्यों दाऊ? मुझे तुम्हारी चिंता है कान्हा। चिंता मत कीजिए दाऊ, विश्वास रखिए मुझे कुछ नहीं होगा। कैसे चिंता ना करूं कान्हा? एक तो मुझे तुम्हारे खेल के बारे में कुछ पता नहीं होता। क्या अभी तक मैंने कोई खेल आपको बताकर खेला है? नहीं, तुम बताते कहाँ हो? आज ये खेल मैं आपको बताकर ही खेलूंगा। अच्छा तो बताओ, इस खेल में मुझे क्या करना है? अभी के लिए टोली के खेल का आनंद लेते हैं, फिर अपने खेल के विषय में बताता हूँ। हाँ, मुझे लगा ही था तुम इतनी सरलता से मुझे कैसे बता सकते हो। चलो खेलते हैं दाऊ। हाँ ठीक है, चलो। मुखिया जी अच्छे से खेलिएगा, यदि आपने गेंद नहीं पकड़ी तो पराजित होंगे। मन तो कर रहा है नकचड़ी को कालिया के पास फेंक कर सदैव के लिए विजयी हो जाऊं। पकड़िए दाऊ। राधा रानी, गेंद पकड़ने के लिए सज्ज हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं गेंद छोड़ दूंगी? कभी नहीं, फेंको। पकड़ो राधा, पकड़ो राधा, पकड़ो, पकड़ो राधा रानी। कंस की योजना के अनुसार यदि कोई भी बालक इस गेंद को लेने आया तो कृष्ण उसे मुझसे बचाने मेरे पास अवश्य आएगा। इस गेंद को नदी से कौन निकालेगा? तुम्हारा परम मित्र, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। वो जो इस नदी के भीतर बैठा हुआ है, देखना तुम बुलाओगे तो वो गेंद लेकर बाहर आ भी जाएगा, फिर तुम्हारे साथ खेलेगा अच्छे से। मतलब यहाँ मैं चिंतित हूँ और तुम मेरा उपास कर रही हो? वो
वो गेंद मैंने अपने हाथों से बनाई थी। ये गेंद मेरी ओर से खान आपने ये भेंट थी, किंतु अब वो इस विषैली नदी के भीतर चली गई। कोई बात नहीं राधा, जो होना था वो तो हो गया। तुम तो बहुत अच्छे खिलौने बना लेती हो राधा, मुझे विश्वास है कि तुम पुनः इससे भी अधिक सुंदर गेंद बनाओगी, क्यों टोली? हाँ। नहीं, मैंने कितने प्रेम से बनाई थी। काना मुझे क्षमा कर देना, लगता है मुझसे ही कुछ भूल हो गई होगी। इसे बनाते समय मेरा प्रेम कम पड़ गया होगा। नहीं राधा रानी, ऐसी कोई बात नहीं, कृपया तुम उदास मत हो। ऐसा ही है, मैंने प्रेम से नहीं बनाया, इसके कारण ही गेंद विशाली नदी में चली गई। यदि यही गेंद पुनः मिल जाएगी तो मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए। अरे कान्हा, ये क्या कर रहे हो? राधा रानी उदास है, मैं गेंद निकालने जा रहा हूँ। कान्हा, कहाँ जा रहे हो? कान्हा! अरे कान्हा, टोली, मैं अभी कान्हा को लेकर आता हूँ। कान्हा! बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई तुम्हारी? इस विषैली नदी के भीतर जाओगे, अपने प्राण संकट में डालोगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला। दाऊ, जाना तो पड़ेगा ना। कान्हा, आसपास के वृक्ष देखो, इस विषैले जल के कारण सभी वृक्ष मुरझा गए हैं। अब तुम्हें इसका अर्थ अलग से समझाना पड़ेगा क्या? दाऊ, वो वृक्ष देखिए, वो तो जीवित है ना। तो ये कैसे संभव हुआ? ये एक ही वृक्ष इतना हरा कैसे? क्योंकि ये हमारी योजना का ही एक भाग है दाऊ, ये सब योजना पहले से ही बनाई गई थी। अर्थात ये वृक्ष बड़ा ही विशेष है दाऊ, जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि जब गरुड़ यहाँ से अमृत लेकर जा रहा था और उसे ज्ञात हुआ कि ये वृक्ष तो बड़ा ही विशेष है, क्योंकि ये कदम का वृक्ष है। गरुड़ को ज्ञात था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं कालिया के लिए यहाँ अवश्य आऊँगा, इसलिए गरुड़ ने इस वृक्ष पर अमृत की एक बूंद गिराई थी। परंतु इसका उद्देश्य क्या है? तुम्हें यहाँ से यमुना में कूदने देना? हाँ, सत्य में तुम्हारी बुद्धि को कुछ हो गया है। कुछ नहीं हुआ दाऊ, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। मैं व्यर्थ में चिंतित हो रहा हूँ? मैं यदि इस दुनिया में किसी से अधिक प्रेम करता हूँ तो वो है अपने छोटे भाई से, अर्थात तुमसे करता हूँ कान्हा। मैं तुम्हारे प्राणों को संकट में नहीं देख सकता, मैं नहीं जाने दूंगा। दाऊ दाऊ, शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए। नहीं कान्हा, ना ही तुम ऐसा कुछ करोगे और ना ही मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने दूंगा। देखा, इसीलिए मैं अपनी लीला के बारे में आपको कुछ नहीं बताता। कान्हा, समझने का प्रयास करो, तुम तो नदी में कूद जाओगे, परंतु मैं टोली को, वृंदावन वासियों को, मैया बाबा को क्या उत्तर दूंगा? दाऊ, मैया बाबा के साथ साथ संपूर्ण वृंदावन वासियों को ज्ञात होना तो आवश्यक है कि मैं यमुना नदी में कूद गया। ये तुम कालिया का अंत करने की योजना बना रहे हो या संसार से मुझे निकाल देने की योजना बना रहे हो? कान्हा, सभी भयभीत हो जाएंगे, मैया तो कितनी निर्मल है, तुम तो जानते ही हो ना। परंतु ये करना आवश्यक है दाऊ, वृंदावन को जल मिलना, सभी का यमुना के तट पर आना अत्यंत आवश्यक है दाऊ। यदि ऐसा नहीं किया तो कोई यहाँ नहीं आ पाएगा, संपूर्ण वृंदावन निर्जल हो जाएगा, हमारा वृंदावन नष्ट हो जाएगा।